नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में, हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में शुरू हुआ ऑक्सीजन का ऑडिट, मरीज को ऑक्सीजन की मिलेगी मदद, मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। बुजुर्गों की मदद कर रहा इंदौर का पुलिस प्रशासन, समस्याओं के समाधान पर कर रहा काम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया सेंट्रल जेल का दौरा, कैदियों का जाना हाल, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। भोपाल में पीसीसी अध्यक्ष के घर हुई बैठक, दिवंगत आत्माओं को दी गई श्रद्धांजलि, शर्मा ने सरकार पर किया वार। गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऑक्सीजन का सदुपयोग हो और ऑक्सीजन से ज्यादा लोगों को इलाज मिल सके, यह सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का ऑडिट शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से हर बिस्तर पर हर मरीज को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और उनकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, इस पर काम हो सकेगा। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के हमीदिया अस्पताल में 240 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, जिससे LMO की बचत होगी और वो बाकी अस्पताल में उपयोग होगी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक मरीज का पेशेंट ट्रीटमेंट ऑडिट देश में पहली बार शुरू हो रहा है। सुनिए मंत्री सारंग का ये बयान। देखिए, ऑक्सीजन का सदुपयोग हो और ऑक्सीजन से ज़्यादा लोगों को इलाज मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में हमने ऑक्सीजन के उपयोग का ऑडिट शुरू किया था। ऑक्सीजन ऑडिट के माध्यम से हर बिस्तर पर हर मरीज को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने निर्णय लिया है कि हम प्रदेश में सभी मरीजों का पेशेंट ट्रीटमेंट ऑडिट करेंगे और उसके माध्यम से क्या कुछ पेशेंट में इन दिनों में किन दवाइयों का क्या असर हुआ है और क्या प्रोटोकॉल में परिवर्तन किया जाता है जा सकता है, इसको लेकर भी रिसर्च होगी। प्रत्येक मरीज का पेशेंट ट्रीटमेंट ऑडिट ये देश में पहली बार हम। हाल ही में राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस जवानों को कोरोना से बचाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम पर 2 ऑक्सीजन मशीन और 1,00,000 की सहायता राशि का चेक भेंट किया है। बता दें, उज्जैन में लगातार कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, ऐसे में संक्रमण रोकने के लिए पुलिस जवानों द्वारा प्रत्येक गली और चौराहों पर ड्यूटी दी जा रही है। ड्यूटी के दौरान करीब 50 से अधिक पुलिस जवान और अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। इन्हीं जवानों और अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना मूल अब आगे आई है और सराहनीय कार्य कर रही है। जैसे अभी हमारे पूरे देश पे कोरोना संकट आया हुआ है, तो उसमें 2 तो हमने ऑक्सीजन मशीन दी है और पुलिस प्रशासन क्या अपनी जान जोखिम में डाल के और हम सबकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तो उनकी दवाई के लिए भी हमने 1,00,000 रुपए पुलिस प्रशासन को। राजगढ़ के सुठालिया में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। यहाँ मुख्य नगर पालिका अधिकारी बद्रीलाल पूर्वैया ने नगर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकारी शिक्षक और परिषद के लोगों की टीम बनाई है और सभी को घर घर भेज रहे हैं। इसमें वे जिन व्यक्तियों को सर्दी जुकाम और बुखार है उनकी जानकारी लेकर दवाई उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है ताकि लोग घरों में रहें। के बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार घर घर जाकर एक टीम बनाई गई है। वो टीम सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर रही है और उस सर्वेक्षण में जो ऐसे पाए गए नागरिकों को उचित उपचार हेतु टेबलेट किट और काढ़ा का वितरण किया जाएगा और उनकी जानकारी जुटाई जाए। इंदौर में अकेले रह रहे बुजुर्गों के लिए कोरोना काल परेशानी का सबब बना हुआ है। अकेले और बीमारी होने से वे लोग किसी भी तरह से कुछ भी करने में असमर्थ हैं। अब इसी को देखते हुए सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की टीम घर में अकेले रह रहे बुजुर्गों की हर संभव मदद कर रही है।
इसे लेकर एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि समस्या आने पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है, वहीं बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। कोरोना काल में सीनियर सिटीजन्स की सेवा के लिए, जैसा कि इंदौर पुलिस का एक पूरा एक प्रकल्प है सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत, जिसमें बुजुर्गों को हम लोग सेवाएं देते हैं। ये मैंने जैसा ही कहा कि सीनियर सिटीजन्स की बड़ी समस्याएं हैं, जैसे अभी एक फ़ोन आया था कि वो कान से सुन नहीं पाते हैं और उनका वो फ़ोन लगा के वो रिक्वेस्ट कर रहे थे घर में कुछ सेवा के लिए, लेकिन वो कान से सुन नहीं पाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से कन्वर्सेशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद हमारे वॉलंटियर्स उनकी घर की तरफ रीच हुए, जो कि जो भी उनकी आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए। पर डे बहुत सारी समस्याएं, राशन की, खाने पीने की, मेड की, कोविड टेस्ट कराने की, अन्य मेडिसिन की, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनमें हमारे लोग लगातार काम कर रहे हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, इसमें राजेंद्र नगर थाना प्रभारी द्वारा एक युवक की डंडे से पिटाई की जा रही है। बताते हैं, वीडियो के सामने आने के बाद कई संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। वहीं अब जो युवक मारपीट का शिकार हुआ था वह सामने आया है और पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में वायरल हो रही यह वीडियो 2 महीने पुरानी है। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी को निर्दोष बताते हुए पब्लिक की पिटाई से बचाने की बात कही है। ये वीडियो 2 महीने पुरानी है, करीब टाइम 28 फरवरी संडे का दिन था, तो ये बहुत मतलब पुरानी वीडियो है, अभी वायरल हो रही है और इसमें मतलब संगठन बहुत मैडम को गलत बोल रहे हैं। बाकी मैडम ने सहयोग किया था, मतलब मेरे को बचाया था। मैडम का नाम तो नहीं पता मेरे को, राजेंद्र नगर TI मैडम थे। उस टाइम ये हुआ था कि हम लोग नाश्ता करने के लिए गए थे हम लोग नाश्ता करके निकल चुके थे, मंडी के गेट के बाहर आ चुके थे हम, तो वहाँ पर मेरा दोस्त मिला एक बबला नाम का, तो उसने मेरे को गाड़ी की चाबी दी। उसकी कुछ वजह थी, उसकी लड़ाई झगड़े हुए थे थोड़े, 2-3 दुकान आगे ढाबे पे जहाँ हम नाश्ता कर रहे थे वहाँ पे, तो वो जा नहीं सकता था, तो इस वजह से उसने मेरे को गाड़ी की चाबी देकर पूछा कि तू भाई गाड़ी लेकर आ जा तो मैं घर चले जाऊँगा। अब इस मामले में DIG मनीष कपूरिया का कहना है कि उक्त घटना की जांच CSP द्वारा की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो वायरल हुआ है, उस पर क्या एक्शन लिया गया? उसकी जांच करके उस पर समुचित कार्रवाई। गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल की सेंट्रल जेल का दौरा किया। इस दौरान गृह मंत्री ने जेल में कैदियों की सुविधाओं की जानकारी ली और साथ ही जेल में पदस्थ उच्च अधिकारियों को कैदियों की सुविधाओं सहित अन्य जरूरी चीजों के लिए निर्देशित किया। वहीं इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में अभिवक्ता तो आ नहीं सकते, तो DG साहब और हम परिवार के सदस्य बनकर कैदियों का हालचाल लेने आज जेल में आए थे। उन्हें अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पेरोल का भी जिक्र किया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और कहा कि कैदियों को 60 दिनों की पेरोल पर छोड़ा जा रहा है। हमारी जेलों में नियमित खाना दिया जा रहा है, मास्क की सुविधा है। वैसे तो पूरे प्रदेश में पिछले कोरोना के टाइम में हमारी जेलों से ही मास्क की पूर्ति हुई थी। अभी भी हमारे जेल जो मदद हो सकती है हमारे कैदी भाइयों के द्वारा मास्क बनाने की, सैनिटाइजर की, और वहाँ पर बाकी चीज़ें आज देखने में आ रही हैं, भोजन व्यवस्था वगैरह। कहते हैं, जरूरतमंदों की मदद से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कुछ ऐसी सोच भोपाल के एक ऑटो ड्राइवर जावेद की भी है। जावेद कोरोना महामारी के बीच अपनी रोजी रोटी को ताक पर रखकर कोरोना संक्रमित मरीजों की जी जान से मदद कर रहे हैं। इसके लिए जावेद ने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। दरअसल भोपाल के बाग फरहत अफजा के रहने वाले जावेद ने कोरोना महामारी में मरीजों के लिए अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। बताया जाता है कि इसके लिए जावेद को अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े हैं। जावेद के मुताबिक जब उन्होंने कोरोना महामारी की भयावह स्थिति को देखा तो अपनी रोजी रोटी के एकमात्र जरिए अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर लोगों की मदद करने का फैसला किया। सर, आइडिया ये आया कि मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और टीवी पे देखता था कि बहुत सारी मृत्यु हो रही है, बहुत सी इलाज मतलब उठा उठा के ले आ रहा है, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, किसी को वक्त पे इलाज नहीं मिल रहा,
तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये काम कर सकते हैं, हमारे अंदर है जज्बा कि हम कुछ मैनेजमेंट करके लोगों से मदद मांग के हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने ये पूरी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर और पूरा सेफ्टी कर लिया कि हम जो भी फ़ोन आए हमारे पास 24 घंटे हमने निःशुल्क सेवा कर दी है कि जो जैसे ही फ़ोन आता है हम अपना ऑटो लेके जाएंगे तुरंत और उनको अस्पताल तक पहुँचाएंगे। अब जावेद के इस फैसले को देखकर कई समाजसेवी भी उसकी मदद के लिए आगे आए हैं, इस नेक काम में जावेद की मदद कर रहे हैं। दवा बाजार के व्यापारी और समाजसेवी नरेश मोटवानी ने जावेद के ऑटो के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई है। नरेश के साथ अब और भी कई लोग जुड़कर जावेद के इस नेक काम में मदद कर रहे हैं। हाँ, जावेद सोशल मीडिया में हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे थे, काफ़ी ग्रुप्स में जावेद पोस्ट कर रहा था कि आज निःशुल्क पहुँचाई, रात को 2 बजे 3 बजे एम्स में भी गया जावेद। तो उससे हम प्रभावित हो गए, मैंने खुद जावेद को मैसेंजर पर मैसेज किया कि मेरी शॉप पर आकर मिलो दवा बाजार में। उसके बाद हम लोगों को विचार आया कि क्यों ना इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क वगैरह भी सैनिटाइज करके पूरा मिनी ऑटो एम्बुलेंस का रूप दिया जाए। तो आज से उसकी शुरुआत है। जावेद का नंबर 24 घंटे ऑन है, जिसकी भी ज़रूरतमंद को जो पैसों से लाचार है या मजबूर है वो जावेद को तुरंत फ़ोन करे, जावेद मदद के लिए ज़रूर पहुँचेगा। गुरुवार को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीसीसी अध्यक्ष के घर हुई बैठक में सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस ने अपने 3 सिपाहियों को खो दिया है, जिस पर सभी ने शोक व्यक्त किया। इस दौरान ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आज भी कई जिलों में ऑक्सीजन के कारण लोगों की जान जा रही है, सरकार को गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार व्यवस्था करने में नाकाम हो रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीमें हैं हर जिले में, उसे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मैं बीच में रहूँगा। भोपाल का मुद्दा मैं पूरी ताकत से उसमें उठाऊँगा कि अभी भी लोगों को वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे, ये उठाऊँगा। कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, उसमें बीजेपी के विधायकों ने भी उठाया कि जेपी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है, कोई कभी बेड खाली नहीं रहता हुआ, इसको सिस्टम को बदलो। ये स्वास्थ्य मंत्री जी का, रामेश्वर शर्मा और विधायक कृष्णा गौर इंदिव का, मैंने भी कहा इसको सिस्टम सुधारना पड़ेगा। और ये बात भी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहूँगा कि जो विधायक निधि से हमने पैसे दे दिए उसका उपयोग तुरंत हो, जिससे जनता को। गुरुवार को विधायक उषा ठाकुर ने निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि अग्रोहा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक शैलेंद्र सिंघल ने इस महामारी में आम जनता की सेवा के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की है। इस मौके पर सिंघल ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर स्वर्ग मंदिर महाविद्यालय में मिलेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सिलेंडर हॉस्पिटल में नहीं दिया जाएगा, ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। हमारे द्वारा जो महू में विपरीत परिस्थितियों के चलने के बाद मेरे बेटे पार्थ सिंघल ने निर्णय किया कि पापा मुझे 50 टंकी कहीं से भी ऑक्सीजन की ला के दो और ये 50 टंकी मैं महू के लोगों को निःशुल्क दूंगा। तो इसको 50 टंकी मेरे बेटे को ला के दी है कि अपन लोगों को निःशुल्क यहाँ से गैस की टंकी विद मास्क कंप्लीट कर देंगे। उनसे अपन 15,000 रुपये डिपॉजिट लेंगे, जब वो टंकी दे देंगे 15,000 रुपये उनके वापस दे देंगे ऑक्सीजन का। फिलहाल खबरों में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।